हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग जिसका नाम है अक्षप्रीत ब्लॉग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आई नो मैं एक साल बाद एक्टिव आई हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मैं थोड़ा बिजी थी जिस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, और तब मैं न्यूजीलैंड में थी, अब मैं कनाडा आ गई हूँ, तो अब मैं ब्लॉग्स कंटिन्यू रखूँगी। और ये मेरा पहला ब्लॉग है जो है तीज का। आप सबको ही पता है कि सावन का महीना चल रहा है और इसमें सब तीज मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, पंजाबी हो या फिर राजस्थानी हो, और भी हर जगह में अलग अलग तरीके से तीज मनाई जाती है। तो ये है मेरी कनाडा की पहली तीज जो कि पंजाबी स्टाइल में मनाई जा रही है, जिसमें सभी लेडीसेस तैयार होकर मेहंदी लगाकर नए नए कपड़े पहनती हैं। तो ये भी उसी का एक छोटा सा वो है। इस बार मैंने डांस नहीं किया क्योंकि मैं जस्ट अभी कनाडा मूव हुई हूँ, मेरे इतने दोस्त नहीं हैं और बिना दोस्तों के डांस तो मुझसे होता ही नहीं है। फिर हमने देखा कैसे आंटियों ने, जो बड़ी लेडीज़ थी वहाँ पर, उन्होंने कैसे पंजाबी ट्रेडिशन को दिखाते हुए पंखियों के साथ डांस किया। ये जो पंखियाँ हैं ये पंजाबी में खुद हाथ से तैयार की जाती थी मेरी नानी के टाइम पे। अभी ये बाज़ार की है कि घर की है मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने पूरा ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए डांस किया। फिर हमने किया फ़ोटोशूट, बहुत सारी फ़ोटोज़ की, बट मैं आपको एक ही फ़ोटो दिखा रही हूँ। फिर हमने देखा कि जुझार अचानक से क्लैपिंग करने लगा और हमें देख के बहुत अच्छा लगा, और हमने इसको भी कैप्चर किया। वो एकदम पंजाबी स्टाइल में गिद्दा बारा था। आई कैंट इमेजिन कि वो गिद्दा बारा था क्योंकि मुझे नहीं आता। फिर मैं उसको लेके झूलों पे गई क्योंकि तीज का त्यौहार जो है वो झूला झूल के ही कंप्लीट होता है, जो कि वहाँ तो लेडीज़ें सिर्फ डांस कर रही थी, खा पी रही थी और मस्ती मार रही थी, लेकिन मैं जुझार को साइड में लेके गई और हमने किया खूब सारा झूला झूला। और उसके बाद ही हम लोग का जो तीज का त्यौहार था यहीं ख़त्म करते हुए हम घर आ गए। होप है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।